सफ़र आज है अंतालिया से पामोकले जाने का। पामोकले डनीज़ली शहर के बिल्कुल करीब वाक़ हैं और ये मैग्नीशियम के पॉन्ड्स हैं थर्मल वाटर के, ये बड़े फेमस हैं। और वैसे पामो मीन कॉटन और कले मीन किला, जो हम उर्दू में भी लफ्ज़ यूज़ करते हैं टर्किश का। तो 4 घंटे के करीब ये सफ़र है। 55 लीरा की इसकी टिकट है जो मैंने ले ली है। और 2 दिन हम यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे हम विज़िट करेंगे पामो कले का। इसके अलावा वहाँ पे एक रोमन थिएटर है और एक एंशियंट सिटी है, ग्रेवयार्ड है और छोटी सी एक लेक भी है। तो 2 दिन का ये प्लान है। अभी 12 बजे हैं, 1 बजे हमारी बस का टाइम है, तो टिकट लेके हम रुक गए हैं। तो मैं चेक कर रहा था इनका बस स्टेशन कैसा है। अंतालिया वाकई एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे हर चीज़ और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिलती हैं सहूलियात टूरिस्ट के लिए। हमारा ये तकरीबन 3.5-4 घंटे का सफ़र है। लास्ट ईयर भी मैंने किया था सर्दियों में और इस दफ़ा मैं कर रहा हूँ गर्मियों में, तो सफ़र है भी बहुत प्यारा। तो मैं आपको रास्ता भी इसका दिखाऊँगा कि कैसा है। तो चलें चलते हैं, अल्लाह का नाम लेकर। अंतालिया में हमारा होटल क्लॉक टावर के करीब था और बस स्टेशन तक जाने के लिए हमने 50 टर्किश लीरा चार्जेस अदा किए हैं। बात ये कि जब आपने सफ़र करना है इंटरसिटी एक शहर से दूसरे शहर, तो आपने अपना जो आपका पासपोर्ट है उसे लेकर आपने दे देना है अपने होटल वाले को या अपने टूरिस्ट ऑपरेटर को। वो आपको QR कोड जनरेट करवा देगा। आपका QR जनरेट होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आपको सफ़र में थोड़ा मसला हो सकता है। तो हमने अपने होटल वाले को ही कह दिया था, क्योंकि कोरोना का सीन जब तक ऑन है तो ये QR कोड ज़रूरी है, वो आपका रिकॉर्ड उनके पास आ जाता है। आपको अपने पासपोर्ट की फ़र्स्ट पिक्चर चाहिए होती है और वहाँ से आपको कोड जनरेट होके आपको व्हाट्सअप कर देते हैं। हमारे पास थे ऑलरेडी और उसने चेक भी किए हैं, तो ये एक ज़रूरी बात है, वो आप ध्यान में रखिएगा। अंतालिया से 3-3.5 घंटे में डनीज़ली पहुँचे और फिर वहीं से पामो किले की गाड़ी में बैठे, जिसने 25 मिनट में हमें पामो किले पहुँचा दिया। तो होटल में अपने पहुंच गया हूँ। डनीज़ली से जब आप उतरते हैं बस स्टेशन पे, तो उसकी बेसमेंट में ही सारे अड्डे हैं उस इलाके के। तो किसी से भी पूछ सकते हैं आप, पामो किले की जो गाड़ी है वो लगी होती है वहाँ पे। 5 लीरे पर पर्सन किराया चार्ज होता है और 14 किलोमीटर दूर है ये, और बड़ी ही अच्छा सफ़र है, साफ़ सुथरा और ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। इस्तांबुल के रश से हम निकल आए हैं और अब हम पहुँच गए हैं जी डनीज़ली में। ये अंतालिया से 3 घंटे लगते हैं यहाँ पे आने में, और यहाँ पे अब हम 2 दिन रहेंगे। हमने यहाँ पे जाना है जो जगह मैंने आपको बता दी है, और यहाँ पे बेसिकली अब हम रेस्ट करेंगे। इस्तांबुल और अंतालिया की जो थकावट है वो यहीं पे उतरेगी। 1 दिन आखिरी हमने यहाँ पे रखा है सिर्फ रेस्ट के लिए। इस्तांबुल की जो थी थकावट वो यहाँ पे इंशाल्लाह उतारेंगे, और 1 दिन हमने सिर्फ रेस्ट के लिए रखा है। वैसे मुझे पर्सनली ये इलाका बहुत पसंद है। मेरे पास 2 ऑप्शन थी, इज़मीर जाने की या पामो किले जाने की। तो मैं इज़मीर हालांकि गया भी नहीं, तो मैं पामो किले आ गया हूँ। यहाँ पे हमें कॉटन कैसल और हमें रोमन थिएटर जो था इज़मीर में भी था, यहाँ पे भी है, तो मैंने कहा चलो यहीं पे चलते हैं। अब्दुलरहमान भी ये देख लेगा, बाकी होटल उसे भी बहुत पसंद आया है। और ये पाकिस्तानी 5,000 रुपये का होटल है मेलरोज़, मतलब 5,000 रुपये में मैं आपको कमरा भी दिखाता हूँ अपना। आपको 2 लोगों का नाश्ता भी मिलता है और साथ आपको ऐसा होटल मिल जाए विद स्विमिंग पूल, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे अच्छी कोई डील होगी। तो अभी बस चेंज करना है और निज़ाम पे निकलते हैं, और बहुत बहुत मज़ा आने वाला है, मेरे साथ रहिए।
ऑर्डर में हमारे जो प्लेटर है इसमें चिप्स है, चिकन के साथ स्टिक्स हैं चार छोटी छोटी, और एज यूजुअल मेरी फेवरेट हरी मिर्चें हैं, टमाटर साथ में प्याज, लेकिन हमने इसके अलावा भी और पिलाफ भी है, थोड़े से चावल हैं, साथ ब्रेड भी दी हुई है उन्होंने, साथ मैंने एक्स्ट्रा सैलड का दिया है ऑर्डर। सैलड में आप देख सकते हैं टमाटो है, खीरे हैं, गाजरे हैं, टमाटर हैं और लीमू है। तो जितनी भूख लगी हुई थी अभी उसके साथ इंसाफ होने लगा। सुबह नाश्ता करके निकले थे और 4.5 किलोमीटर पैदल चले हैं, तो भूख भी इंतहा की लग गई थी। अगर आप मिर्च मसाले के बगैर नहीं ना रह सकते तो एक चिली केचप अपने साथ रखें। मैं फिर खा लेता हूँ, इसलिए कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने ब्रेड भी दिया साथ, ये शास्त्री स्टिक है चिकन की, और साथ चावल भी दिए हैं, आप दोनों चीज़ों के साथ खा सकते हैं। बिस्मिल्लाह। एक लुकमा इसके साथ भी ट्राई करते हैं। आप टटकियाँ हैं ना तो आप सैलड बहुत ज़्यादा खाएं, सैलड बहुत अच्छा बनाते हैं ये लोग। अभी ये है थोड़ा महंगा, एक्सपेंसिव है, 20 लीरे की डी है, इस्तेमाल से आपको 10-12 में भी मिल जाता है, क्योंकि इसको तुम दूर आए हुए हैं तो थोड़ा सा रेट का फ़र्क होता है, लेकिन बहुत मज़े का होता है। आज का जो प्लान है वो बड़ा ज़बरदस्त है, आज बड़ी डिफरेंट लोकेशन हमने देखनी है, और तुसी तो चुप कर जाओ। और ये हमारी गाड़ी आ गई हमें होटल से पिक करने, यहाँ से हमने गाइडेड टूर लिया है, गाइड साथ हो तो आपको जो एंशियंट रेलिक्स हैं, जो एंशियंट सिटी है और जो रेलिक्स हैं उनके बारे में ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। वैसे यहाँ से करीब ही है, 1.5 किलोमीटर पैदल भी बंदा जा सकता है। गाड़ी ने हमें होटल से सब लोगों को पिक कर लिया, और कुछ लोग दूसरी सिटी से आ रहे हैं तो उन्होंने नाश्ता नहीं किया हुआ, वो 3-3 घंटे का ट्रैवल करके आए हैं। अभी सुबह के 11 बजे हैं तो हम तो रुके ही पामो किले में हैं, इसलिए हमने तो नाश्ता कर लिया था। तो जो फतेह से और एक और शहर है वहाँ से आ रहे हैं वो लोग नाश्ता कर रहे हैं, हम अपने स्पॉट पर पहुँच गए हैं और यहीं से हमारा ट्रिप स्टार्ट होगा। दूसरा ये है कि यहाँ पे 3 से 4 स्पॉट हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, एंशियंट सिटी से ये स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हमें हेरापोलिस लेके जाएंगे, एंड देन फिर हम पामो के लेके पॉइंट्स देखेंगे, मैग्नीशियम पॉइंट जो हैं फिर हमारे पीछे हैं, बड़े डिफरेंट से हैं और वन ऑफ अ काइंड, आपको बहुत ज़्यादा इनकी वैरायटी हर जगह शायद नज़र ना है, ये बहुत डिफरेंट तरह के पहाड़ हैं जहाँ पर बड़ा मज़ा आएगा। और क्लोपेट्रा का पोल, हाँ जी, वहाँ पर चलते हैं। तो अभी ये लोग जैसे नाश्ता करते हैं तो हमारा सफ़र स्टार्ट हो जाएगा। अभी गाड़ी पे हम 4 किलोमीटर ऊपर बेस पे पहुंच गए हैं जहाँ से हमारा ट्रिप स्टार्ट होगा। हेरापोलिस के आगे हम खड़े हुए हैं और गाइड हमारे हमें गाइड कर रहे हैं कि भाई ये आज का निज़ाम। गाइड हमें आज का प्लान बता रहा है, लेकिन मुझे कॉटन कैसल जाने की बहुत जल्दी है। आप ये जो मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हैं, इनके ऊपर जब बारिश होती थी तो वाटर रिएक्ट करता था सॉइल के साथ, सोयल यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट है, तो उस रिएक्शन के नतीजे में उसके अंदर से उस जो बनता था, जो भी उनका अमेजा मुरक्कब बनता था, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव हो जाती थी और पीछे सिर्फ रह जाता था कैल्शियम कार्बोनेट, चूना रह जाता था पीछे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चूना है, आप लगा भी सकते हैं किसी को, आपको भी लग सकता है। तो वाइट टेरेसिस आने वाले हैं, थर्मल पौंड है, जो थर्मल वाटर पौंड है, इनको कॉटन कैसल इस एरिया को इनकी वजह से कहते हैं। कॉटन मीन रुई और कले मीन किला, उर्दू में जो वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये रुई का किला है। तो हम भी एंट्री मारते हैं, नहाने का सीन नहीं है, पानी ये गर्म है, थर्मल वाटर है, तो लोग जिस वक्त नहा रहे होते हैं उस वक्त गीले भी पसीना भी उनको आ रहा होता है, तो एक्सपीरियंस देखते हैं उनका कैसा है।
यहाँ पे जेंट्स के लिए रूल है जी कि वो थोड़ी लॉन्ग निकर पहनेंगे, और ख़वातीन के लिए कोई रूल नहीं है लेकिन कपड़े वो पहनेंगे। तो यहाँ पे सारे कोई तैयारी कर रहे हैं लोग निकलने की, और मास्क की यहाँ पे आवाज़ें लग रही हैं। बकवास रूल है ये, लोग यहाँ पे एक पूल में 12-12 लोग घुसे हुए हैं तो नहा रहे हैं, उनका कोई सीन नहीं है। वहाँ पे कोरोना जो है वो काम नहीं करेगा। थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे चलना, जहाँ पे पाउडर है वहाँ पे थोड़ा फिसलन है, लेकिन वैसे ओवरऑल ठीक है, इतना डेंजरस नहीं है। पानी बहुत मजे का यार, उतर ही जा रहे हैं। ये फॉरनर्स इस चीज़ पे बड़ा बिलीव करते हैं कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये जिस्म के लिए, स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है, तो ये इसको अपने जिस्म पे मल रहे हैं और फिर पानी में बैठ जाते हैं। अच्छा, हम लोग तो यहाँ पे आके इजी है, गोरा थोड़ा सा हो गया एक्साइटेड, बल्कि कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। डिफरेंट जगह वैसे, और यहाँ पर आपको तस्वीरें बड़ी अच्छी आती हैं आपकी। ये तकरीबन 1 किलोमीटर का इन्होंने पाथवे बनाया हुआ है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर पानी को रोक के, थोड़ा पानी है, 1.5 से 2 फुट का पानी है। आप इसमें मतलब उस तरह से स्विमिंग नहीं कर सकते, आप यहाँ पर जस्ट बैठ के बैठ सकते हैं पानी में, और अकॉर्डिंग टू देम कैल्शियम कार्बोनेट वाला पानी है, तो आपके जिस्म को ये हील भी करता है। तो ये देखें, हीलिंग चल रही है, और थोड़ी सी मैं भी ना करा लूँ। सामने पामोकले विलेज है और पीछे वाले पहाड़ डिनीज़ली शहर के हैं, जो यहाँ से तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर दूर हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ अब्दुलरहमान साहब, मैंने एक चीज़ नोट की है, बच्चे अंग्रेज़ों के भी बहुत ही रोते हैं। बच्चे सारे रोते हैं, हर तरफ बाजे बाज रहे हैं, वाह वाह। मेरा ख्याल था शायद हमारे बच्चे ज़्यादा रोते हैं, लेकिन इनके बच्चे भी हर तरफ रो रहे हैं। हाँ, सुकून हो गया कि साहब बराबर है, तो जो हम अपने बच्चों को बुरा बुरा भला कहते थे वो वापस। पामोकले में हॉट एयर बलून और पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी भी की जाती है। हॉट एयर बलून का पैकेज 100 यूरो से स्टार्ट होता है। डिनीज़ली के एरिया में हर तरफ अनारों के बाग हैं, और ये लोग छिलके समेत इसका जूस निकाल के पीते हैं, और यही तरीका ज़्यादा हेल्दी भी होता है। कॉटन कैसल का विज़िट करने के बाद हेरापोलिस का हज़ारों साल पुराना शहर, रोमन थिएटर, क्लोपैत्रा का पूल और खाने का निज़ाम अभी बाकी है, लेकिन ये सब जल्द ही आपको अगली किस्त में पेश करूँगा। और अगर आप जानना चाहते हैं टैक्सिन स्क्वायर की तारीख और देखना चाहते हैं इस्तकलाल एवेन्यू की रौनकें, तो यहाँ क्लिक करें। और अगर 600 साल तक कायम रहने वाली सल्तनत उस्मानिया का पहला महल देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।